लेगा बदला, लेगा बदला, लेगा बदला। गोकू आया चैम्बर फाड़ के, करेगा सामना सबका सीना तान के। लेगा बदला गोकू आया चैम्बर फाड़ के, करेगा सामना सबका सीना तान के। क्राउन मेरे सर पे है एनिमे का गोल्ड, मैं आजो जितने ताकतवर सबको दूंगा फोड़ मैं। डिंगू मिंगू टकलू सारे आ जाओ तुम मैदान में, नानी याद दिला दूंगा मैं सबका लगता बाप में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे और बोर हो रहे हो तो ये स्टोरी देखनी जरूरी है एंड तक, क्योंकि बहुत से लोग इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कह रहे थे। तो आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पर ये स्टोरी लाया हूँ, पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ गोकू वेजिटा आखिरकार ब्लैक फ्रीजा को हरा देते हैं और फिर कुछ महीने बीत जाते हैं। गोकू को सब बोरिंग सा लगने लगता है। फिर वो वेजिटा के पास जाता है और कहता है, यार वेजिटा तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? वेजिटा कहता है, कैसा अजीब, मुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा है। फिर गोकू कहता है, कितने महीने बीत गए हम पर कोई मुसीबत नहीं आई, लगता है हमारे सारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं। फिर वेजिटा कहता है, ओ अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, पर भूलो मत कैकरॉन, तुम्हारा एक दुश्मन अभी भी जिंदा है। फिर गोकू सोच में पड़ जाता है, वो कौन हो सकता है? तभी वेजिटा कहता है, सोच क्या रहे हो बेवकूफ, वो मैं ही हूँ जो तुम्हें सरपास करके ये प्रूफ कर देगा कि मैं ही सबसे शक्तिशाली शेन हूँ। फिर गोकू कहता है, तुमसे लड़कर मैं और बोर नहीं होना चाहता, वेजिटा मुझे माफ करना, अब मैं चलता हूँ। तभी वेजिटा कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? फिर गोकू कहता है, माफ करना वेजिटा, अभी मुझे सुप्रीम गाई के पास जाना है। वेजिटा गोकू से पूछता है, अब तुम्हें सुप्रीम गाई से क्या काम है? गोकू कहता है, सुप्रीम गाई ही तो मुझे जैनिस से दोबारा मिला सकते हैं, ताकि मैं उनसे अगले टूर्नामेंट की बात कर सकूं। ये सुनकर वेजिटा पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या टूर्नामेंट? तभी गोकू कहता है, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं वेजिटा, अब मैं चलता हूँ। और ये कहकर गोकू वहाँ से चला जाता है, पर वेजिटा अभी भी शॉक्ड हुआ होता है और सोचता है, ये बेवकूफ क्या करने की सोच रहा है, कहीं ये दोबारा टूर्नामेंट करवाने की तो नहीं सोच रहा। इतने में वहाँ बीरस और विश आ जाते हैं और उन दोनों को देखकर वेजिटा पूरी तरह से घबरा जाता है और कहता है, लॉर्ड बीरस आप यहाँ पर? फिर बीरस कहता है, मौसम तो ठंडा ही है, फिर तुम्हारे इतने पसीने की छूट रहे हैं, क्या बात है बताओ? फिर वेजिटा सोचता है, अब लॉर्ड बीरस ही उसे रोक सकते हैं। फिर वो बीरस को सब बता देता है कि गोकू क्या करने वाला है। ये सब सुनकर बीरस शॉक हो जाता है और कहता है, विश लगता है ये मॉर्टल मुझसे बदला ले रहा है, मुझे अर्थ को पहले ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। फिर वेजिटा कहता है, अरे नहीं लॉर्ड बीरस, हमें कैकरोट को रोकना होगा। तभी विश कहता है, जी माय लॉर्ड, बातों में वक्त जाया मत करो। और विश बीरस और वेजिटा को सुप्रीम गाई के प्लैनेट पर ले जाता है। फिर वो तीनों वहां पहुंच जाते हैं। बीरस कहता है, ओए सुप्रीम गाई, गोकू कहाँ है, गोकू कहाँ हो तुम? तभी वहां ओल्ड काई आ जाता है और कहता है, लॉर्ड बीरस विश और वेजिटा यहाँ कैसे आना हुआ? वेजिटा कहता है, ओल्ड काई क्या यहाँ कैकरोट आया था? ओल्ड काई कहता है, हाँ आया था और उसे जैनोसामा के साथ चेस खेलना था, इसलिए सुप्रीम काई उसे जैनो पैलेस पर ले गए और उनको गए हुए काफी देर हो चुकी है। तभी वेजिटा और बीरस चौंक हो जाते हैं। फिर वेजिटा कहता है, नहीं वो एक नंबर का झूठा है, उस बेवकूफ को तो ठीक से लूडो भी खेलना नहीं आता, चेस कहाँ से खेलेगा? और तभी विश को ग्रैंड प्रिस्ट की कॉल आती है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या सभी एंजल्स मेरी बात सुन पा रहे हो? आज भी ग्रैंड जैनो बहुत ही खुश थे क्योंकि यूनिवर्स 7 का गोकू उनसे मिलने आया था और फिर गोकू की रिक्वेस्ट पर उन्होंने टूर्नामेंट द नेक्स्ट लेवल कराने को कहा। तो आज से 2 दिन बाद ये टूर्नामेंट होगी, पर इस बार रूल अलग होंगे। इस बार एक यूनिवर्स से सिर्फ एक मॉर्टल ही हिस्सा लेगा और उसका पार्टनर होगा उसी का डिस्ट्रॉयर।
जो उसका साथ देगा। बाकी के रूल्स टूर्नामेंट के दिन ही बताए जाएंगे। और फिर ग्रैंड प्रिक्स की कॉल कर जाती है और तभी पूरे मल्टीवर्स में तहलका मच जाता है और सभी गॉड्स एक मीटिंग रखते हैं जिसमें सभी बीरस को ब्लेम करते हैं। बेलमोट कहता है, बीरस क्या है ये सब, क्यों हम सबकी जान को खतरे में डाल रहे हो, लगता है तुम पुराने वाले बीरस नहीं रहे। फिर क्विटेला कहता है, लगता है यूनिवर्स 7 बीरस के कंट्रोल से बाहर जा रहा है। बीरस कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर पहले पता होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं होने देता। तभी चंपा कहता है, चुप करो भाई, अब बहाने मत बनाओ, तुमने उस सैन गोकू को इतनी छूट दी रखी थी। और सभी चंपा की बात से सहमत होते हैं और तभी बेलमोट शिड्रा को इशारा करता है और शिड्रा भी बेलमोट के इशारे को समझ जाता है। और तभी शिड्रा कहता है, इस सब की जड़ वो सैन गोकू है, मैं तो कहता हूँ उसे जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। और बेलमोट चंपा और क्विटेला भी इस बात से सहमत होते हैं। फिर बीरस कहता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, यूनिवर्स 7 का डिस्ट्रॉयर मैं हूँ, तो जो करना है वो मैं करूँगा। तभी इराक कहता है, वो सैन लड़का जैनो सामक का करीबी दोस्त बन चुका है, ऐसे में उसकी जान लेना ठीक नहीं है। ये सुनकर बेलमोट थोड़ी परेशानी में आ जाता है और कहता है, इराक ये क्या बोल रहे हो, ये मीटिंग ऑफ गॉड्स की है, तो जैनो सामा तक ये बात क्यों ले जा रहे हो, तुम एक काम करो, सो जाओ पहले मीटिंग की तरह। फिर बीरस कहता है, अब ये मीटिंग यहीं खत्म करो, मैंने फैसला कर लिया है। चंपा पूछता है, तो क्या तुम उसे मार दोगे भाई। बीरस कहता है, नहीं, मैं गोकू को अपनी स्वॉर्ड में सील कर दूंगा। और फिर मीटिंग खत्म हो जाती है, सब डिस्ट्रॉयर अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। फिर सीन जाता है सुप्रीम गाय के प्लेनेट पर, यहाँ गोकू और सुप्रीम गाय दोनों जैनो पैलेस से वापस आ जाते हैं। गोकू कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रीम गाय। सुप्रीम गाय कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया गोकू, तुमने मुझसे झूठ बोला। गोकू कहता है, नहीं नहीं, मैं वहाँ चेस खेलने ही गया था, पर वहाँ जाकर मुझे पता लगा मुझे चेस खेलना ही नहीं आता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दिमाग से खेलने वाला गेम है, इसलिए जैनिस और मैंने हाइड एंड सीक खेला, बट उसमें हम बहुत ही जल्दी बोर हो गए थे। फिर मैंने जैनिस को टूर्नामेंट का आइडिया दिया। और फिर गोकू अर्थ पर चीची से मिलने चला जाता है और उसे बताता है कि अगले 2-3 दिन वो घर नहीं आएगा। इसके बाद सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर, बीरस मीटिंग की सारी बात विश और वेजिटा को बताता है। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या आप गोकू को सील कर दोगे, ये सब उनकी चाल है, लॉर्ड बीरस ऐसा मत करना। फिर बीरस कहता है, विश मेरी स्वॉर्ड लाओ। विश कहता है, लॉर्ड बीरस मुझे नहीं लगता आप गोकू को उस स्वॉर्ड में ज्यादा देर तक कैद रख पाओगे, क्योंकि वो स्वॉर्ड काफी पुरानी और कमजोर हो चुकी है। बीरस कहता है, बात तो तुम ठीक कह रहे हो विश, फिर तो एक ही रास्ता बचा है, गोकू को मारना ही होगा। तभी वेजिटा शॉक हो जाता है और कहता है, लॉर्ड बीरस आप गोकू को कैद करना चाहते हो तो ठीक है, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। बीरस कहता है, और ये तुम कैसे करोगे। फिर वेजिटा बीरस को टाइम चैम्बर के बारे में बताता है। बीरस कहता है, तो ठीक है वेजिटा, तुम ऐसा ही करना। तभी वहाँ गोकू आ जाता है और गोकू बड़ा ही खुश दिखाई देता है। फिर वो बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, बस आप गुस्सा मत करना। तभी वेजिटा कहता है, यही कि एक और टूर्नामेंट होने वाला है जिसमें एक डिस्ट्रॉयर और एक मॉर्टल पार्टनर के रूप में हिस्सा लेंगे। गोकू कहता है, वाह वेजिटा तुम्हें तो सब मालूम है, क्या विश ने तुम्हें बताया है। फिर बीरस कहता है, ओए गोकू इधर तो आओ जरा। गोकू कहता है, जी लॉर्ड बीरस अभी आया। और तभी बीरस गोकू का मुंह पकड़कर पिचका देता है और कहता है, बेवकूफ बेअकल, किसने कहा था जैनोसामा के पास जाने को, बोलो। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस मुझे सांस नहीं आ रहा है, प्लीज माफ कर दीजिए। फिर बीरस गोकू का फेस छोड़ देता है और कहता है, अब तुम और वेजिटा दोनों जाकर टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करोगे, तुम में से जो भी ज्यादा ताकतवर होगा
मैं उसे ही सिलेक्ट करूंगा अपने साथ टूर्नामेंट के लिए। फिर गोकू वेजिटा अर्थ पर चले जाते हैं और दोनों टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करने आ जाते हैं। और एक दिन बीत जाता है जो कि पूरे एक साल के बराबर होता है। और तभी गोकू कहता है, हे वेजिटा, लगता है हमारा खाना खत्म होने वाला है। फिर वेजिटा सोचता है, लगता है वक्त आ गया है, अब थोड़ी देर आराम कर लो कैकरोट, मैं जाकर खाने की चीजें और कुछ इक्विपमेंट्स लेकर आया, जिससे फिर हम और हार्ड ट्रेनिंग करेंगे। फिर गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा, पर थोड़ा जल्दी करना क्योंकि टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और काफी कम टाइम भी बचा है, हमें ट्रेनिंग करनी होगी। फिर वेजिटा कहता है, ठीक है कैकरोट, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। और फिर वेजिटा सैड होते हुए टाइम चैम्बर से बाहर आ जाता है। और फिर गोकू सोचता है, वेजिटा को आने में पक्का काफी देर हो जाएगी क्योंकि बुलमा उसे जल्दी आने कहां देगी, चलो मैं थोड़ा सो ही लेता हूं, बॉडी को भी आराम मिलेगा। इसके बाद सीन जाता है टाइम चैम्बर के बाहर। यहां वेजिटा टाइम चैम्बर से बाहर आ जाता है और तभी वहां उसे बीरस के साथ साथ सभी डिस्ट्रॉयर दिखाई देते हैं। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, ये सब डिस्ट्रॉयर यहाँ क्या कर रहे हैं? बीरस कहता है, वेजिटा, ये सब यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि इन सबको मेरी बातों पर विश्वास नहीं, इन्हें लगता है कि मैं गोकू को छोड़ दूंगा, इसलिए ये यहाँ अपनी आंखों से देखने आए हैं। तो वेजिटा, अब अपना काम पूरा करो। फिर वेजिटा कहता है, रुकिए लॉर्ड बीरस, मुझे इन सभी डिस्ट्रॉयर से कुछ कहना है। मुझे इनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है इनकी घटिया चाल, और ये कितने डरे हुए हैं क्योंकि कैकरोट ही था जिसने तुम्हारे उस महान जिरेन को हराया था, जो अपने डिस्ट्रॉयर से भी ज्यादा ताकतवर है। क्यों बेलमोट, मैंने सही कहा ना? फिर बेलमोट कहता है, ओए तेरी तो हिम्मत कैसे हुई एक डिस्ट्रॉयर को छेड़ने की। फिर वेजिटा कहता है, क्यों तुम क्या लड़की हो जो तुम्हें छेड़ दिया? ये सुनकर बेलमोट पूरे गुस्से में आ जाता है। तभी चंपा कहता है, भाई इस वेजिटा से कहो ये जो भी टाइम बम है इसे फोड़ो, वरना हम सब इसे फोड़ देंगे, और फिर मत बोलना कि तुम्हारा ये प्यारा प्लेनेट भी उड़ गया। फिर बीरस वेजिटा से कहता है, वेजिटा तुम्हें ये करना ही होगा अगर अर्थ की भलाई चाहते हो तो। फिर वेजिटा मन में सोचता है, मुझे माफ करना कैकरोट, मैं ये गलत कर रहा हूँ, पर अब यही रास्ता बचा है। और तभी वेजिटा एक एनर्जी चार्ज करके टाइम चैम्बर पर मार देता है, जिससे टाइम चैम्बर का दरवाजा टूट जाता है। और तभी अंदर सोया गोकू नींद से जाग जाता है और महसूस करता है, लगता है बाहर से किसी ने जबरदस्त अटैक किया है। और फिर गोकू देखता है वेजिटा को गए हुए काफी देर हो चुकी है। गोकू फिर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे बाहर चलकर देखना ही चाहिए। और फिर गोकू टाइम चैम्बर से बाहर जाता है, पर तभी वो देखता है कि टाइम चैम्बर का गेट टूट चुका है, जिसे देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये किसने किया है, किसने इस दरवाजे को तोड़ा है? वो अटैक उसी से ये टूटा होगा, पर अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? बाहर जाने का एक ही रास्ता था और वो अब टूट चुका है। पर वेजिटा जानता है कि मैं अभी भी टाइम चैम्बर में हूँ, तो वो मुझे जरूर यहाँ से निकाल लेगा, मुझे ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और फिर गोकू वेजिटा का इंतजार करता है और बाहर सब डिस्ट्रॉयर भी अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। और कुछ घंटों बाद टूर्नामेंट शुरू हो जाती है, जिसमें बेलमोट, रमची और सिड्रा बीरस और वेजिटा पर हमला कर देते हैं। और फिर बीरस रमची और सिड्रा पर अटैक कर देता है और वेजिटा बेलमोट से भिड़ जाता है, और सबसे पहले यूनिवर्स 12 और यूनिवर्स 2 बाहर हो जाते हैं, और बाद में यूनिवर्स 3 और यूनिवर्स 5 भी एलिमिनेट हो जाते हैं। और तभी जिरेन यूनिवर्स 1 को एलिमिनेट कर देता है। और फिर बीरस भी रमची को रिंग से बाहर कर देता है, और फिर लीकर और उसके मोटल को चंपा और क्विटेला मिलकर गिरा देते हैं।
और तभी वेजिटा बेलमोट पर भारी पड़ जाता है और जिरेन बेलमोट की मदद करने जाता है, पर क्यूटेला जिरेन को रोक देता है। ये देखकर बेलमोट शॉक हो जाता है और कहता है, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, सब आपस में मत लड़ो। और फिर जिरेन क्यूटेला को भी रिंग से बाहर कर देता है और बेलमोट की हेल्प के लिए चला जाता है। और दूसरी तरफ बीरस सिड्रा को भी एलिमिनेट कर देता है और फिर उसकी चैंपा के साथ फाइट हो जाती है और दोनों ही लड़ते लड़ते थक जाते हैं। फिर चैंपा कहता है, भाई मुझे पता है मैं तुमसे जीत नहीं सकता, पर मैं तुम्हें भी जीतने नहीं दूंगा। और ये कहकर चैंपा बीरस को अपने साथ रिंग से बाहर ले जाता है और अब वेजिटा रिंग में अकेला होता है और उसके सामने जिरेन और बेलमोट होते हैं और दोनों ही वेजिटा पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद सीन जाता है टाइम चैम्बर में, जहां गोकू के सबर का बांध टूट जाता है और वो कहता है, मुझे नहीं लगता वेजिटा मुझे यहां से बाहर निकालने वाला है, वरना अभी तक उसे आ जाना चाहिए था। ये जरूर वेजिटा ने जानबूझकर किया होगा ताकि वो लॉर्ड बीरस के साथ टूर्नामेंट में भाग ले सके। वेजिटा तुम कितने मतलबी निकले। और फिर गोकू फैसला कर लेता है कि अब वो खुद ही इस टाइम चैम्बर से बाहर निकलेगा और फिर गोकू अपना पावर अप करता है और सीधा सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपना पावर लेवल बढ़ाने लगता है। पर गोकू देखता है कि उससे टाइम चैम्बर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर गोकू कायोकेन यूज करता है और 10 टाइम्स कायोकेन का भी यूज करता है। कायोकेन भी टाइम चैम्बर को नहीं तोड़ पाती। फिर गोकू कायोकेन को 100 टाइम्स पर ले जाता है और अब भी टाइम चैम्बर को कुछ नहीं बिगड़ता। फिर गोकू सोचता है, टाइम चैम्बर तो पहले से काफी अपग्रेड हो चुका है और इस बार गोकू अपनी पूरी ताकत लगा देता है और कायोकेन की 10,000 टाइम्स तक उसे ले जाता है, जिसमें गोकू की बॉडी से एक पावरफुल एनर्जी वेव निकलती है जिससे टाइम चैम्बर हिलने लगता है। इसमें गोकू की काफी एनर्जी यूज होने लगती है और थोड़ी देर बाद जमीन पर गोकू गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और इसके बाद सीन दोबारा टूर्नामेंट में जाता है, जहां वेजिटा अकेले ही जिरेन और बेलमोट का सामना कर रहा होता है और फिर वेजिटा एक बड़ी हकाई बोल चार्ज करके जिरेन पर मार देता है, जिससे जिरेन पूरी तरह डैमेज हो जाता है। और तभी वेजिटा बेलमोट पर अटैक कर देता है और सीधा रिंग के कोने पर बेलमोट पहुंचता है और वेजिटा कहता है, अब क्या हुआ जोकर, हार मान ली। और तभी बेलमोट स्माइल करता है, अरे वेजिटा पीछे तुम देखो। और तभी जिरेन एक एनर्जी बॉल चार्ज कर चुका होता है और वेजिटा पर मार देता है, जिससे वेजिटा सीधा रिंग से बाहर गिर जाता है। यूनिवर्स 11 टूर्नामेंट जीत जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट यूनिवर्स 11 को सुप्रीम यूनिवर्स बना देते हैं और कहते हैं कि अब से यूनिवर्स 11 सभी यूनिवर्स का हेड होगा और सभी गॉड की होने वाली मीटिंग में यूनिवर्स 11 के डिस्ट्रॉयर बेलमोट हेड होंगे। और फिर सभी अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं और फिर सीन गोकू पर जाता है और गोकू ये डिसाइड कर लेता है कि अब वो वेजिटा से बदला लेकर रहेगा। पर गोकू देखता है कि उसका खाना बहुत ही कम बचा है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। वो लगातार ट्रेनिंग करने लग जाता है और फिर हमें वेजिटा दिखाया जाता है, जो डेंडे से पूछता है कि टाइम चैम्बर कब तक रिकवर होगा। डेंडे कहता है, कुछ कह नहीं सकता, इसमें लगभग आधा साल लग सकता है। ये सुनकर वेजिटा शॉक हो जाता है और सोचता है, ऐसे तो कैकरोट मारा जाएगा क्योंकि उसके पास अब ज्यादा खाना नहीं बचा होगा। और फिर वेजिटा ड्रैगन बॉल कलेक्ट करके शेनरोन से विश मांगता है कि गोकू को यहाँ अर्थ पर ले आए। तभी शेनरोन कहता है, ये नहीं हो सकता, वो एक अलग डायमेंशन में है। फिर वेजिटा कहता है, तो ठीक है गोकू को इमोर्टल कर दो ताकि वो भूख से ना मरे और बिना खाए पिए जिंदा रह सके। फिर शेनरोन वेजिटा की ये विश पूरी कर देता है और तभी गोकू को एक अलग सी एनर्जी अपने अंदर फील होती है और उसको अब भूख भी नहीं लगती। फिर गोकू कहता है, लगता है मैं इमोर्टल हो चुका हूँ, मुझे अब बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। और गोकू नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करने लगता है और अपनी सारी फॉर्म्स को मास्टर कर लेता है। और ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं, जो गोकू के लिए 10 साल के बराबर होते हैं।
अब गोकू टाइम चैम्बर में 10 साल ट्रेनिंग कर चुका होता है और वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ओमनी गॉड लेवल तक ले जाता है। और अब गोकू का नेचर पूरी तरह से बदल जाता है। वो अब बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, वजीटा से बदला लेना। और फिर गोकू कहता है, वजीटा मैं तुम्हारी सोच से कई ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा और सबसे ज़्यादा भी, ताकि मल्टीवर्स में कोई भी तुम्हें मुझसे ना बचा सके। और फिर गोकू फैसला करता है और 10 साल ट्रेनिंग करने का। और फिर अब गोकू को टाइम चैम्बर में पूरे 20 साल हो जाते हैं ट्रेनिंग करते करते। और अब गोकू ओमनी गॉड और ग्रैंड प्रिंस से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और फिर गोकू एक नया लेवल अचीव कर लेता है और कहता है, मैं आ रहा हूँ वजीटा। और तभी गोकू एक जोरदार रोर करता है और अपना पावर अप करने लगता है, जिससे टाइम चैम्बर पूरी तरह से टूट जाता है और कई सारे पोर्टल खुल जाते हैं। और तभी गोकू उनमें से एक पोर्टल में चला जाता है, जहाँ उसे एक अनजान आदमी दिखता है। गोकू उससे कहता है, तुम तो एक एंजल जैसे दिख रहे हो, और ये कौन सी जगह है? वो एंजल कहता है, ये मेरा वर्ल्ड है। गोकू उस अनजान एंजल से पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा वर्ल्ड? फिर वो एंजल कहता है, मेरा नाम है मरनो और मेरी इजाजत के बिना यहाँ कोई आ जा नहीं सकता। तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? किसने भेजा है तुम्हें? फिर गोकू समझ जाता है कि वो गलत वर्ल्ड में आ चुका है। फिर गोकू मरनो से कहता है, मुझे किसी ने नहीं भेजा है, वो अपने वर्ल्ड और अपने यूनिवर्स में जाना चाहता था। ये सुनकर मरनो समझ जाता है कि ये उन बचे हुए यूनिवर्स में से आया है और इसका पावर लेवल काफी ज्यादा है। फिर गोकू कहता है, ये कौन सी जगह है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तो यहाँ किसी की एनर्जी सेंस नहीं हो रही है तुम्हारे अलावा, ये कैसा वर्ल्ड है? फिर मरनो कहता है, यहाँ कोई नहीं आ सकता है क्योंकि इसे मैंने बनाया है, यहाँ तक कि खुद ग्रैंड पृष्ठ भी यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो इस यूनिवर्स को समय रेखा और समय जाल से बांध रखा है, मैं खुद यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तुम हो कौन? फिर गोकू कहता है, मैं हूँ सन गोकू और मैं एक टाइम चैम्बर में फंस गया था और मैंने उसे अपनी शक्तियों से तोड़ दिया, जिससे कई सारे पोर्टल खुल गए थे और फिर मैं यहाँ आ गया। और ये सुनकर मरनो समझ जाता है कि गोकू की शक्तियाँ असीम है और वो कोई भी डायमेंशन ब्रेक कर सकता है। इसके बाद सीन जाता है बेलमूड पर। बेलमूड कहता है, मार्गरिटा अब तो मैं सुप्रीम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया हूँ और तुम सुप्रीम एंजल। मार्गरिटा कहती है, नहीं लॉर्ड बेलमूड, हम एंजल्स इसमें नहीं आते। फादर ने ये पोजीशन आपकी और आपके यूनिवर्स को ही दी है। फिर बेलमूड कहता है, तो क्या हुआ मार्गरिटा? वैसे भी हम मल्टीवर्स में जैनोसामा और ग्रैंड ब्रिस्ट के बाद अब मेरा ही सिक्का चलेगा। और फिर बेलमोड मार्गरिटा से गॉड्स की मीटिंग बुलाने को कहता है। और फिर सीन बीरस के प्लेनेट पर जाता है, जहां बीरस बहुत ही परेशानी में दिखाई देता है। बीरस कहता है, विश यूनिवर्स 11 अब सुप्रीम यूनिवर्स बन चुका है और वो जोकर बेलमोड जरूर इस पोजीशन का गलत इस्तेमाल करेगा। तभी वजीटा कहता है, लॉर्ड बीरस अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मैं खुद उसे अकाई कर दूंगा। फिर बीरस कहता है, अगर हमने ऐसा कुछ किया तो जैनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट हमें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इन्हीं ने उस जोकर को ये पोजीशन दी है। और तभी विश को मार्गरिटा की कॉल आती है। मार्गरिटा कहती है, अटेंशन प्लीज, मैं सुप्रीम यूनिवर्स 11 की एंजल मार्गरिटा बोल रही हूँ। सभी यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर यूनिवर्स 11 में आ जाइए, लॉर्ड बेलमोड का ये ऑर्डर है। फिर विश बीरस को यूनिवर्स 11 ले जाता है, जहाँ पहले से ही बाकी डिस्ट्रॉयर आ चुके होते हैं। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू कहता है, अब मुझे वापस जाना होगा, पर मैं नहीं जानता कि मैं किस पोर्टल से अपने यूनिवर्स पहुँच सकता हूँ। और तभी मरनो कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड जाने का रास्ता बता सकता हूँ सन गोकू, पर तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। गोकू कहता है, कैसी मदद? फिर मरनो कहता है,
उस ग्रैंड ब्रिज और उस जैनो को मारने में। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम जैनोसामा और ग्रैंड ब्रिज को मारना चाहते हो? पर क्यों, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मरनो कहता है, ग्रैंड ब्रिज ने मेरा सब छीन लिया और उस जैनो ने सब खत्म कर दिया। फिर गोकू कहता है, मुझे पूरी बात बताओ मरनो। फिर मरनो गोकू को सारी बात बताता है कि पहले मल्टीवर्स में 18 यूनिवर्स थे और वो यूनिवर्स 13 का एंजल था और हमारे यूनिवर्स ही सबसे स्ट्रॉन्ग थे बाकी 12 यूनिवर्स के मुकाबले। और जैनो को भी हमारी बढ़ती शक्तियों से डर लगने लगा और उसने ग्रैंड प्रिस्ट के साथ मिलकर हमारे यूनिवर्स को इरेज करने का फैसला किया, जिसका मैंने और मेरे साथी एंजलो ने विरोध किया। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट ने हमारी शक्तियों को बांध दिया और उस जैनो ने सब इरेज कर दिया। फिर गोकू कहता है, ये तो बहुत ही गलत हुआ तुम्हारे साथ। मरनो कहता है, सन गोकू, तुम मेरा दर्द नहीं समझोगे, जब अपने ही धोखा देते हैं तब कैसा लगता है। फिर गोकू कहता है, मैं समझ सकता हूँ मरनो, क्योंकि मुझे जिसने धोखे से टाइम चैम्बर में फंसाया था वो वजीटा मेरा दोस्त था और शायद दोस्त से भी बढ़कर था। तभी मरनो कहता है, सन गोकू, धोखेबाजों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, इन्हें मार देना ही सही रहेगा। गोकू कहता है, तुम सही कह रहे हो। मरनो कहता है, तो क्या अब तुम तैयार हो? गोकू कहता है, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और इसके बाद सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर, जहाँ वेजिटा सोच रहा होता है, अब तो कैकरोट इमोर्टल बन चुका होगा, वो एक ना एक दिन खुद से उस टाइम चैम्बर से बाहर निकल जाएगा, मुझे उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, पर इस बेलमोड का मुझे कुछ करना ही होगा। तभी वहाँ विश आ जाता है और वेजिटा विश से पूछता है कि गॉड्स की मीटिंग में क्या हुआ। विश कहता है, वो मीटिंग गॉड्स की थी तो लॉर्ड बीरस ही बता सकते हैं कि मीटिंग में क्या हुआ। फिर वेजिटा कहता है, विश, मैं ऐसा क्या करूं कि सभी गॉड से शक्तिशाली बन जाऊं, तुम्हारे जितना या उससे भी कई ज्यादा। फिर विश स्माइल करके कहता है, इसके लिए तो तुम्हें काफी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी वेजिटा। वेजिटा कहता है, तो मुझे और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कराओ विश, ताकि मैं तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग बन सकूं। विश कहता है, वेजिटा मैं तुम्हें सब ट्रेनिंग करा चुका हूँ और अब बस तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है, जितने ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा पावर लेवल बढ़ता जाएगा। फिर वेजिटा कहता है, ऐसे तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तुम्हारे लेवल तक पहुँचते पहुँचते। फिर विश कहता है, बात तो सही है वेजिटा, अभी तक कोई मोटल एंजल लेवल तक नहीं पहुंचा और गोकू ने भले ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में महारत हासिल की थी पर तब भी वो एंजल लेवल तक नहीं पहुंचा था। पर हाँ वेजिटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वेजिटा कहता है, और वो क्या है विश? विश कहता है, पिरामिड ऑफ टाइम। पर वेजिटा मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, इसमें तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है, खुद लॉर्ड बीरस भी इसमें ज्यादा देर नहीं टिक सके और उन्हें क्विट करना पड़ा। तभी वेजिटा कहता है, विश, मुझे अभी उस पिरामिड ऑफ टाइम में ले जाओ, मुझे किसी भी कीमत पर सबसे शक्तिशाली बनना है। फिर विश वेजिटा को एक बार फिर समझाता है कि पिरामिड ऑफ टाइम में तुम जितना समय बिताओगे समय की गति उतनी ही धीमी होती जाएगी। फिर वेजिटा कहता है, ये तो अच्छा ही है मेरे लिए। फिर विश कहता है, लेकिन वेजिटा जैसे समय बीतता जाएगा ग्रेविटी का फोर्स उतना ही बढ़ता जाएगा, तो अब बताओ क्या तुम अब भी उसमें जाना चाहते हो? वेजिटा कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं वहाँ खाऊंगा क्या? मैं तो एक मोर्टल हूँ। विश कहता है, इसकी चिंता मत करो, बस एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हें बाहर आना हो तो रेड बटन दबा देना, क्योंकि वो ही तुम्हें बाहर ला सकता है। और विश वेजिटा को पिरामिड ऑफ टाइम में ले जाता है और फिर विश बीरस को यूनिवर्स 11 से वापस ले आता है। बीरस विश से कहता है, विश, वेजिटा कहाँ है? विश कहता है, वेजिटा तो पिरामिड ऑफ टाइम में चला गया है। ये सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है, क्या वो बेवकूफ पिरामिड ऑफ टाइम में चला गया? अब तो अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं बचा सकता। विश बीरस से पूछता है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो लॉर्ड बीरस? बीरस विश को सब बातें बताता है।
अब सीन गॉड्स की मीटिंग और फ्लैशबैक में जाता है। बेलमोट कहता है, आप सबका स्वागत है सुप्रीम यूनिवर्स में। बीरस कहता है, आप जल्दी से भगो, हमें किस लिए यहाँ बुलाया है? बेलमोट कहता है, सबर करो बीरस, अभी तो मीटिंग शुरू हुई है। सिड्रा बताओ सबको क्या हुआ था? मेरे और क्यूडला के जासूसों ने पता लगाया कि उस टाइम चैम्बर का दरवाजा रिकवर किया जा रहा है। इसका मतलब कि वो गोकू दोबारा बाहर आ जाएगा। बेलमोट कहता है, क्या ये सच है क्यूटेला? क्यूटेला कहता है, हाँ ये 100% सच है। फिर बीरस कहता है, तुम सब चाहते क्या हो? बेलमोट कहता है, गोकू बाहर आया तो वो हम सब के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अच्छा होगा बीरस तुम अर्थ को डिस्ट्रॉय ही कर दो, वरना वो जैनोसामा से कहकर हमें इरेज करा सकता है। पर बीरस अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से मना कर देता है। फिर बेलमोट सभी से वोटिंग करने को कहता है और सभी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने पर वोट करते हैं। पर बीरस इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होता और वहां से चला जाता है। फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। विश बीरस से कहता है, तो अब आप क्या करोगे लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, विश अब अर्थ को उसके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। और फिर बेलमोट सिड्रा से अर्थ को डिस्ट्रॉय करने को कहता है और फिर सिड्रा अर्थ को हकाई कर देता है और सब मारे जाते हैं। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू फिर एक रेज में जाता है और अपना पावर लेवल अप करने लगता है, जिससे मरनो का बनाया वर्ल्ड हिलने लगता है। मरनो स्माइल करता है, ये तो बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ गया, ये अभी मेरा पूरा सच नहीं जानता। और गोकू एक जोरदार रोर करता है, जिससे मरनो का बनाया वर्ल्ड टूट जाता है। और एक बार फिर गोकू कई सारे पोर्टल खोल देता है और कहता है, अब बताओ मरनो, किस पोर्टल से यूनिवर्स 7 जा सकते हैं? फिर मरनो गोकू को उसका पीछा करने को कहता है और फिर दोनों यूनिवर्स 7 में आ जाते हैं। और गोकू सीधा अर्थ की तरफ जाता है, पर उसे अर्थ दिखाई ही नहीं देती। गोकू अब समझ जाता है कि अर्थ को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर गोकू कहता है, ये जिसने भी किया है मैं उसका मल्टीवर्स से नामो निशान मिटा दूंगा। गोकू कहता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसने भी ये किया है लॉर्ड बीरस। मरनो कहता है, कहां जा रहे हो सन गोकू? क्या तुम भूल गए हमारे बीच क्या बात हुई थी? मैंने तुम्हारे यूनिवर्स आने में मदद की है और अब तुम्हारी बारी है, चलो मेरे साथ। गोकू कहता है, मुझे माफ करना मरनो, अभी मुझे पता लगाना होगा किसने मेरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया है और मैं उसे सजा देकर ही रहूंगा। मरनो कहता है, तो ठीक है मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। और फिर गोकू सीधा बीरस के प्लेनेट की तरफ जाता है, जहां विश बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, कोई बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी हमारी तरफ आ रही है। बीरस कहता है, ये कौन हो सकता है विश? विश कहता है, ये एनर्जी तो गोकू की एनर्जी से मेल खा रही है, लेकिन जैसे जैसे ये करीब आ रहा है इसका पावर लेवल बढ़ता ही जा रहा है। और तभी वहाँ गोकू आ जाता है और बहुत ही गुस्से में कहता है, लॉर्ड बीरस, अर्थ को किसने तबाह किया? बीरस कहता है, गोकू क्या ये तुम ही हो? विश कहता है, जी लॉर्ड बीरस, ये गोकू ही है। फिर बीरस कहता है, तुम तो काफी शक्तिशाली हो गए हो गोकू। तभी गोकू कहता है, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। लॉर्ड बीरस, कहीं इसके पीछे आपका तो हाथ नहीं है? लॉर्ड बीरस बोलिए। बीरस कहता है, मुझे माफ कर दो गोकू, मैं ये सब रोक नहीं पाया क्योंकि वो बेलमोट अब सुप्रीम डिस्ट्रॉयर बन चुका है। गोकू कहता है, लेकिन आप तो उस बेलमोट से ज्यादा शक्तिशाली हो, फिर भी वो आपके यूनिवर्स में आकर इतना सब कुछ कर गया, मुझे सच बताइए लॉर्ड बीरस। विच कहता है, लॉर्ड बीरस सच कह रहे हैं गोकू। फिर बीरस कहता है,
गोकू अगर मैं कुछ भी करता तो उसे मल्टीवर्स का रूल तोड़ना समझा जाता, क्योंकि जैनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट ने ही उसे और उसके यूनिवर्स को सुप्रीम बनाया है, वरना मैं कब का बेलमोट की उसकी औकात याद दिला देता। फिर गोकू कहता है, मैं उस बेलमोट को छोड़ूंगा नहीं, उसकी सुप्रीम पोजीशन उसी के साथ खत्म हो जाएगी। फिर बीरस गोकू को रोकता है, गोकू ऐसा मत करना, ग्रैंड प्रिस्ट तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। गोकू कहता है, अगर वो बीच में आए तो उन्हें भी मरना होगा। ये सुनकर बीरस और विश शॉक्ड हो जाते हैं और फिर गोकू सीधा यूनिवर्स 11 जाता है और वो अपनी पावर से पूरा यूनिवर्स 11 को हिलाने लगता है, जिससे बेलमोट खुद ब खुद उसके सामने आ जाए। और फिर सीन बेलमोट पर जाता है। बेलमोट कहता है, मार्क रीता, जब से सुप्रीम डिस्ट्रॉयर बना हो तब से कुछ काम ही नहीं करना पड़ता, सब काम सिड्रा और रमशी कर देते हैं। और अचानक से बेलमोट का पैलेस हिलने लगता है। बेलमोट कहता है, अरे ये क्या हो रहा है, कहीं ये दोनों बेवकूफ मेरा प्लेनेट तो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं। मार्गरीटा देखो जरा। मार्गरीटा कहती है, लॉर्ड बेलमोट सिर्फ ये प्लेनेट ही नहीं बल्कि पूरा यूनिवर्स 11 हिल रहा है, कोई तो जरूर बाहर से आया है। बेलमोट कहता है, किसकी हिम्मत हुई है मेरी इजाजत के बिना, किसकी हिम्मत हुई है मेरे इजाजत के बिना सुप्रीम यूनिवर्स में आने की। और तभी मार्गरीटा अपनी स्टाफ में देखती है और कहती है, लॉर्ड बेलमोट मुझे तो ये यूनिवर्स 7 का गोकू लग रहा है। फिर बेलमोट हंसकर कहता है, मार्गरीटा फिर से देखो ध्यान से, वो गोकू नहीं हो सकता। मार्गरीटा कहती है, आप खुद ही देख लीजिए। फिर बेलमोट देखता है और शॉक्ड हो जाता है, अरे ये तो गोकू ही है, ये दो चैम्बर में फंसा था, ये यहाँ कैसे आ गया। फिर गोकू एक जोरदार आवाज में कहता है, जोकर बाहर आओ। फिर मार्गरीटा कहती है, वो तो आपको ही बुला रहा है लॉर्ड बेलमोट। बेलमोट कहता है, मार्गरीटा मैं तुम्हें जोकर लगता हूँ। मार्गरीटा कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था लॉर्ड बेलमोट, हमें चलकर देखना चाहिए वो चाहता क्या है। फिर बेलमोट कहता है, चुप करो मार्गरीटा, मैं आप सुप्रीम डिस्ट्रॉयर हूँ, मैं आप इन मॉर्टल्स को मुंह नहीं लगाना चाहता। फिर बेलमोट सिड्रा और रमसी से कम्युनिकेट करता है और कहता है, ओए सिड्रा कामचोर, तुमने तो अर्थ डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो ये गोकू यहाँ कैसे आ गया, अब रमची को लेकर यहाँ आओ जल्दी और उस गोकू को ठिकाने लगाओ। और फिर सिड्रा और रमशी यूनिवर्स 11 आ जाते हैं और उन्हें गोकू दिखाई देता है जो कि बहुत ही गुस्से में होता है। रमशी कहता है, तो ये जिंदा है सिड्रा, तुम तो कह रहे थे तुमने इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सिड्रा कहता है, ये कैसे बच गया, जरूर इसने सुरंग खोदी होगी और ये पहले ही भाग गया होगा। और फिर गोकू सिड्रा और रमशी को देखता है और कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे रोकने आए हो। सिड्रा कहता है, तुम बच कैसे गए, और तो डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये सुनकर गोकू समझ जाता है कि ये दोनों भी उस बेलमोट के साथ मिले हुए हैं। फिर रमशी कहता है, सिड्रा अब ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसे खत्म करते हैं। तभी गोकू कहता है, तो चलो आगे बढ़ो, खत्म करो मुझे। और फिर सिड्रा और रमशी दोनों ही गोकू पर हवाई बॉल मार देते हैं और वो दोनों गोकू को लग जाती है और गोकू वहां से गायब हो जाता है। रमशी कहता है, दिखाई नहीं दे रहा, लगता है मर गया। सिड्रा कहता है, हाँ ये तो कीड़े की तरह मर गया, चलो बेलमोट को बता देते हैं। तभी गोकू रमशी और सिड्रा के पीछे से बोलता है, तुम्हारे अटैक से कीड़े ही मर सकते हैं बेवकूफ, मैं नहीं। और गोकू को जिंदा देखकर सिड्रा और रमशी शॉक हो जाते हैं और बेलमोट ये सब मार्गरीटा की स्टाफ में देख रहा होता है। और तभी गोकू सिड्रा को एक जोरदार पंच कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और रमशी ये देखकर डर जाता है और कहता है, क्या कर दिया तुमने, एक डिस्ट्रॉयर को मार दिया। फिर गोकू कहता है, अब तुम भी मरोगे। और फिर गोकू एक एनर्जी बॉल चार्ज करता है
रमशी कहता है, मुझे माफ कर दो गोकू, ये सब उस वेलमोट और बाकी डिस्ट्रॉयर ने मिलकर अर्थ को डिस्ट्रॉय किया था, मुझे मत मारो प्लीज। फिर गोकू कहता है, तुमने गलत का साथ दिया है और जो भी गलत के साथ होता है वो मारा जाता है। फिर गोकू रमशी को भी मार देता है और ये सब देखकर वेलमोट के पसीने छूट जाते हैं। मार्गरीटा कहती है, लॉर्ड वेलमोट, ये गोकू तो आपके यूनिवर्स में कत्लेआम कर रहा है और इसने दो डिस्ट्रॉयर को मार दिया, अब आपको इसे रोकना होगा। वेलमोट कहता है, मार्गरीटा क्या चाहती हो, दो तो मर गए, अब फिर तीसरा शिकार मैं बनूं उसका। और फिर वेलमोट जिरेन को बुलाता है, जिरेन जिरेन, तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने आया है, थोड़ा नाराज है, उसे मनाकर उसके यूनिवर्स वापस भेज दो। और फिर जिरेन सीधा गोकू के पास चला जाता है और कहता है, गोकू तुम यहाँ, तो तुमसे फिर से मुलाकात हो ही गई। गोकू कहता है, जिरेन मेरे रास्ते से हट जाओ, आज तुम्हारा डिस्ट्रॉयर मारा जाएगा। जिरेन कहता है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अपने यूनिवर्स वापस लौट जाओ गोकू। और तभी गोकू जिरेन पर वही अटैक कर देता है जो उसने रमशी पर किया था। फिर जिरेन उस अटैक को डोज कर लेता है और एक बड़ी एनर्जी बॉल गोकू पर मार देता है जो सीधा गोकू को लग जाती है, जिससे बहुत बड़ा ही ब्लास्ट हो जाता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। और तभी उस धुएं से रोशनी निकलती है और फिर गोकू वैसे का वैसा दिखाई देता है। ये देखकर जिरेन शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, क्या ये कैसे बच गया, मेरा अटैक ठीक इसके बॉडी पर जाके लगा था जिससे इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, लेकिन फिर भी इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और तभी जिरेन अपनी फुल पावर रूप में आ जाता है और फिर जिरेन कई एनर्जी बॉल चार्ज करके गोकू पर मार देता है जिनसे गोकू इजीली बच जाता है। और तभी जिरेन गोकू पर एक पंच कर देता है जिसे गोकू रोक लेता है और कहता है, जिरेन तुम पहले से कई गुना स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, पर तुम मुझे नहीं रोक पाओगे क्योंकि मैंने अभी अपनी आधी पावर भी यूज नहीं की, तो समझ जाओ, हट जाओ मेरे रास्ते से। जिरेन कहता है, मैं एक फाइटर हूँ गोकू, पीछे हटना मैंने सीखा नहीं। और तभी गोकू अपना पावर अप करता है और जिरेन को एक पावरफुल पंच मार देता है जिससे जिरेन पूरी तरह डैमेज हो जाता है। ये देखकर वेलमोट घबरा जाता है और चैंपा और क्विटेला से कम्युनिकेट करता है और घबराया हुआ कहता है, चैंपा क्विटेला जल्दी से यहाँ यूनिवर्स आ जाओ। चैंपा कहता है, पर क्यों, अभी तो मीटिंग हुई थी, फिर से क्यों बुला रहे हो। फिर क्विटेला कहता है, हाँ और तुम घबराए हुए क्यों हो, गोकू का भूत देख लिया क्या। वेलमोट कहता है, हाँ वो गोकू आ गया है मेरे यूनिवर्स में, तो तुम जल्दी से आ जाओ। क्विटेला कहता है, ये तुम्हारा सिर दर्द है वेलमोट, तुम ही संभालो। और क्विटेला कम्युनिकेट कार्ड देता है। फिर चैंपा कहता है, तुम सिड्रा और रमशी को क्यों नहीं बुलाते, मुझे क्यों तंग कर रहे हो। वेलमोट कहता है, अरे क्या है कि वो दोनों मर गए हैं। ये सुनकर चैंपा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, हेलो हेलो आवाज ही नहीं आ रही है वेलमोट, हेलो हेलो। और फिर चैंपा भी कम्युनिकेट कार्ड लेता है। वेडो चैंपा से पूछती है, क्या हुआ लॉर्ड चैंपा। चैंपा कहता है, अरे कुछ नहीं, वेलमोट से रॉन्ग नंबर लग गया था, उसे तो क्विटेला से बात करनी थी। और फिर तभी गोकू वेलमोट के पास पहुंच जाता है और वेलमोट गोकू को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, अरे गोकू कैसे हो तुम, यहाँ कैसे आना हुआ, कुछ चाहिए क्या तुम्हें, बताओ। गोकू कहता है, हाँ तुम्हारी जान। गोकू कहता है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ वेलमोट। वेलमोट कहता है, मार्गरीटा रोको इसे। मार्गरीटा कहती है, रुक जाओ गोकू, आगे बढ़े तो मारे जाओगे। गोकू कहता है, मैं किसी एंजल को नहीं मारना चाहता हूँ, अच्छा होगा मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी वहाँ टोको आ जाता है और कहता है, न्याय के दुश्मन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। और तभी टोपो गोकू पर हाकाई बोल मार देता है
जिसे गोकू इजीली रोक लेता है और उल्टा टोपो पर ही वो अटैक कर देता है, जिससे टोपो की मौत हो जाती है। और ये देखकर बेलमोट समझ जाता है कि अब उसे एक ही आदमी बचा सकता है और वो भागने की कोशिश करता है, पर तभी गोकू एक एनर्जी चार्ज करके बेलमोट पर मार देता है, जिसे मार्गरिता डोज कर लेती है और कहती है, अब तुमने मुझे लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। बेलमोट कहता है, हाँ हाँ मार्गरिता, इसे खत्म कर डालो, छोड़ना मत इसे। और फिर बेलमोट वहां से भाग जाता है। फिर गोकू कहता है, मार्गरिता तुम उसे नहीं बचा पाओगी, उसने मेरी फैमिली और मेरे लोगों को मारा है। मार्गरिता कहती है, लगता है तुम हम एंजल्स की पावर नहीं जानते हो। लॉर्ड बेलमोट ने तो बस तुम्हारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय किया है, मैं चाहूँ तो तुम्हारा पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। और तभी मार्गरिता गोकू पर अटैक कर देती है, जिसे गोकू इजीली डोज कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हारी पावर्स नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी शक्तियों को जानता हूँ, जो तुमसे कई गुना ज्यादा है। और तभी गोकू मार्गरिता को एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे मार्गरिता जमीन पर गिर जाती है। और तभी वहाँ मोहितो और कुसु आ जाते हैं। कुसु कहती है, मार्गरिता क्या तुम ठीक हो? मोहितो गोकू से कहता है, क्या तुम्ही ने हमारे डिस्ट्रॉयर्स को मारा है? गोकू कहता है, हाँ मैंने ही उन्हें मारा है, वो दोनों इसी के लायक थे, और क्या अब तुम उनका बदला लेने आए हो? मोहितो कहता है, अरे नहीं, मैं तो तुम्हें थैंक यू कहने आया था। ये सुनकर गोकू हैरान हो जाता है। तभी कुसु कहती है, मोहितो ये क्या कह रहे हो? मोहितो कहता है, सिस्टर तुम नहीं जानती मेरा डिस्ट्रॉयर कितना निकम्मा और सड़ियल था, वो कभी मेरी सुनता ही नहीं था, मैं तो खुद उसी की दाढ़ी से उसका गला घोटना चाहता था, लेकिन फादर के रूल्स के कारण ऐसा मैं नहीं कर पाता था। फिर कुसु कहती है, लेकिन मेरे डिस्ट्रॉयर ऐसे नहीं थे। और तभी कुसु मार्गरिता को हील कर देती है। फिर मोहितो कहता है, अच्छा होगा कुसु तुम भी जल्दी से नया डिस्ट्रॉयर ढूंढ लो, वरना कुछ ही देर में तुम डीएक्टिवेट हो जाओगी और तुम्हारी पावर्स चली जाएगी। कुसु कहती है, मैं लॉर्ड रमशी का बदला लेकर रहूंगी। फिर मार्गरिता कहती है, ये बहुत ही शक्तिशाली है कुसु। कुसु कहती है, मार्गरिता मेरी पावर ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, इसलिए मैं तुम्हें अपनी शक्तियाँ देती हूँ। फिर कुसु अपनी शक्तियाँ मार्गरिता को दे देती है। तभी मार्गरिता एक हाकाई बीम चार्ज करती है और कहती है, तुम कितने भी पावरफुल हो जाओ, जब ये अटैक तुम्हारे दिल के आर पार होगा तब तुम्हारी मौत होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर गोकू कहता है, तो रुकी क्यों हो, पहले ही तुमने मेरा काफी वक्त बर्बाद कर दिया है। और तभी एक एनर्जी आके मार्गरिता को लग जाती है, जिससे मार्गरिता की मौत हो जाती है। ये देखकर कुसु और मोहितो शॉक्ड हो जाते हैं। और गोकू देखता है ये किसने किया। तभी वहां मरनो आ जाता है और कहता है, सन गोकू तुम तो मुझे भूल ही गए। गोकू कहता है, मुझे माफ करना मरनो, मैं उस बेलमोट को मार कर तुम्हारे पास ही आने वाला था, लेकिन ये एंजल्स मेरे बीच में आ गए। मरनो को देखकर कुसु कहती है, तुम तो वही फॉलन एंजल हो, मुझे फादर को बताना होगा। और तभी मरनो कुसु को भी मार देता है। और मोहितो घबरा कर कहता है, द फॉलन एंजल मरनो, तुम तो फादर के सबसे बड़े बेटे हो, तुम्हें तो कैद करके रखा था, तो तुम बाहर कैसे आए? मरनो कहता है, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई, तुम्हारा भाई बाहर आ गया है। तभी गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या ग्रैंड प्रिंस तुम्हारे फादर हैं? मरनो कहता है, हाँ सन गोकू, मैं ही ग्रैंड प्रिंस का सबसे पहला बेटा हूँ। गोकू कहता है, फिर भी तुम उन्हें मारना चाहते हो? ये सुनकर मोहितो शॉक्ड हो जाता है। फिर मरनो कहता है, सन गोकू मैंने तुम्हें बताया था कि ग्रैंड प्रिंस ने मेरे साथ क्या किया है। गोकू कहता है, हाँ मुझे सब याद है। तभी मोहितो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मरनो उसे रोक देता है और कहता है, ये क्या मोहितो, तुम्हारी शक्तियां तो कम होती जा रही है, तुम तो बड़ी तकलीफ में हो। मोहितो कहता है, हाँ प्लीज मुझे जाने दो,
मेरा डिस्ट्रॉयर मर चुका है और मेरी पावर जाने वाली है। और तभी मरनो एक एनर्जी बॉल चार्ज करके मोहितो पर मार देता है, जिससे मोहितो भी मारा जाता है। इसके बाद सीन बीरस के प्लैनेट पर जाता है। बीरस कहता है, विश, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें यूनिवर्स 11 जाना चाहिए और गोकू को रोकना चाहिए। अगर उसने बेलमोट को मार दिया तो वो एक गॉड किलर बन जाएगा। विश कहता है, पर लॉर्ड बीरस वहाँ की एंजल मार्गरेटा जो अपने डिस्ट्रॉयर को मरने नहीं देगी। बीरस कहता है, तो क्या हमें वहाँ जाना नहीं चाहिए? विश कहता है, जी लॉर्ड बीरस, गोकू ये जो भी कर रहा है वो व्यक्तिगत भावनाओं के तौर पर कर रहा है, क्योंकि लॉर्ड बेलमोट ने गोकू के प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो गोकू जो भी कर रहा है उसका अंजाम गोकू को ही भुगतना होगा, और ऐसे में आप गोकू का साथ देंगे तो ग्रैंड जैनो और फादर की नजरों में आप गलत ठहराए जाएंगे। बीरस कहता है, हाँ विश, मुझे इसी बात का डर है, कहीं जैनोसामा यूनिवर्स 7 इरेज ही ना कर दे। और ये वजीटा पिरामिड से बाहर कब आएगा? विश कहता है, मैं भी यही सोच रहा था लॉर्ड बीरस, वजीटा ने तो आपका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीरस कहता है, चुप करो विश, और देखो शायद वजीटा मर चुका होगा। और तभी विश अपनी स्टाफ में देखता है और फिर सीन पिरामिड ऑफ टाइम में जाता है, जहां वजीटा नॉन स्टॉप ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर विश कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, वजीटा तो अभी तक टिका हुआ है। तभी बीरस कहता है, विश, ये क्या मजाक है? मेरे टाइम पर वो तुमने ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा कर रखा था। फिर विश कहता है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है लॉर्ड बीरस, और लगता है वजीटा आपको सरपास करने वाला है। बीरस कहता है, चुप करो विश, मुझे याद आ गया, जब मैं पिरामिड में गया था तब मैं बीमार चल रहा था। विश कहता है, पर मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है लॉर्ड बीरस। और फिर सीन गोकू पर जाता है। गोकू कहता है, मरनो, तुमने मोहितो को क्यों मारा? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मरनो कहता है, सन गोकू, अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये जरूर ग्रैंड प्रिस्ट को सब बता देता, और वो ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही चालाक है, वो दोबारा कोई गंदी चाल चलता। फिर गोकू कहता है, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता मरनो, मैं उस बेलमोट को मार कर रहूंगा, और जो भी बीच में आएगा मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। मरनो कहता है, फिर तो तुम्हें सभी डिस्ट्रॉयर्स को खत्म करना होगा। गोकू कहता है, सभी को? फिर मरनो गोकू का ब्रेन वॉश करता है और कहता है, हाँ सभी डिस्ट्रॉयर्स, क्योंकि इनका जब मन करता है तब ये किसी भी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे तुम्हारा अर्थ। ये सभी डिस्ट्रॉयर्स मिले हुए हैं गोकू, और इनका साथ देते हैं इनके एंजल्स। तो सन गोकू, हमें इन्हें खत्म करना होगा ताकि तुम्हारे अर्थ की तरह कोई और प्लैनेट डिस्ट्रॉय ना हो। फिर गोकू मरनो की बातों में आ जाता है और कहता है, तुम सही कह रहे हो मरनो। अब सीन बेलमोट पर जाता है। बेलमोट कहता है, मेरे मालिक, मुझे बचाइए। तभी हमें ग्रैंड प्रिस्ट दिखाई देता है। फिर बेलमोट कहता है, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, लेकिन वो गोकू बच निकला और अब मेरे यूनिवर्स में अब वो आ गया है। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम एक मोर्टल से इतना क्यों घबरा रहे हो? बेलमोट कहता है, उसने सिड्रा और रमशी को मार दिया है। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही गुस्से में हो जाता है और कहता है, उसने दो डिस्ट्रॉयर्स को मार दिया और तुम यहाँ डरपोकों की तरह आ गए, तुम्हारी एंजल कहाँ है? बेलमोट कहता है, वो उस गोकू से लड़ रही होगी, मुझे तो मार्गरेटा की चिंता हो रही है ग्रैंड प्रिस्ट। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट देखता है कि मार्गरेटा, कुसु और मोहितो की एनर्जी फील नहीं हो रही। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। और फिर सीन यूनिवर्स 8 पर जाता है, जहां गोकू मरनो सीधा लीकर के प्लैनेट पर जाते हैं। लीकर गोकू को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, तुम जिंदा हो? गोकू कहता है, हाँ मैं जिंदा हूँ, पर तुम अब जिंदा नहीं रहोगे।